यहाँ पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहाँ अंदर जनपदीय चोर गिरोह के पास से अवैध असला और चोरी के वाहन सहित दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें जेल भेज दिया गया है, जबकि इनका एक साथी अभी तक पुलिस के गिरफ्त बाहर है। जनपद संभल में पुलिस ने अंतर जनपदीय चोर गिरोह को गिरफ्तार कर उनका खुलासा किया है। आपको बता दें कि थाना गुनौर के पतरिया रोड डडवारा लावर चौराहा पर अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण पाने के लिए थाना अध्यक्ष गिन्नौर प्रवीण कुमार सोलंकी द्वारा पुलिस अधीक्षक संबल यमुना प्रसाद और सीईओ अशोक कुमार के कुशल निर्देशन में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, तभी अज्ञात लोगों को सूचना के आधार पर रोका गया, लेकिन उन्होंने भागने का प्रयास किया। इस पर पुलिस ने घेराबंदी करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरीश बंसिंह गौरव आदि गिरफ्तार हुए, जिनके पास से दो मोटरसाइकिल, एक अवैध राइफल और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद की माने तो चोर गिरोह काफी समय से सक्रिय था। रेलवे स्टेशन, बैंक इत्यादि तिराहे पर अपनी नजरबंदी कर मोटरसाइकिल उठाकर अन्य जनपदों में सस्ते दामों पर इसे बेच दिया करते थे, जबकि पूछताछ के दौरान महुआ नदी की झाड़ियों में 11 मोटरसाइकिल निशानदेही के आधार पर बरामद की गई हैं, जबकि इनका एक साथी जिसका नाम महेश था वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अंतर जनपदीय एक गैंग पकड़ा गया है, जिसमें लगातार सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग वाहन चोरी का कार्य कर रहे हैं, उसको ला करके यहाँ पे सस्ते दामों में बेच रहे हैं। ये कई जगह से अमरोहा, बदायूं, नोएडा, गाजियाबाद आदि से वाहन चोरी करके लाते थे। इनके पास से तमंचे भी बरामद हुए हैं। जब पतरिया रोड पर डडवारा के पास चेकिंग की जा रही थी तो वहाँ दो व्यक्ति मिले, जब इन्हें रोका गया तो इनके पास से दो मोटरसाइकिल मिली और जब इनको चेक किया गया तो बिना नंबर की ये गाड़ियाँ थी और इसके पास कोई कागज नहीं थे। ये जब पूछताछ किया गया तो इन्होंने बताया कि ये चोरी की गाड़ियां हैं। बाद में इनकी निशानदेही से महावा नदी के पास से और भी 11 गाड़ियां बरामद हुई हैं और इनके पास से एक राइफल और तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए हैं। सभी को गिरफ्तार करके अब जेल भेजा जा रहा है। और फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्यमेव न्यूज़, हमेशा सच के साथ।